डिप्टी स्पीकर से रिक्वेस्ट करी थी कि ये जो गवर्नर का अभिभाषण जो पढ़ाया गया, जो लिख करके लाया गया, ये केवल लोगों को गुमराह करने के लिए झूठ का बड़ा पुलिंदा है। और मैं इस पर जब चर्चा करूंगा तो बहुत सारे मिनिस्टरों को, चीफ मिनिस्टर को, इनके एमएलए को तकलीफ होगी। ये लोग जब अपनी बात कह रहे थे, मैंने इनको किसी को इंटरप्ट नहीं किया, लेकिन मैं जब अपनी बात कहूँ तो केवल क्योंकि सदन के नेता गवर्नर के अभिभाषण पे रिप्लाई करेंगे। मेरी बात को नोट चाहे इनके मंत्री करें, इनके एमएलए करें, चाहे कोई अधिकारी करें, लेकिन जब मैं अपनी बात कह रहा हूँ तो बीच में मुझे इंटरप्ट ना करें। बावजूद उसके उन्होंने मुझे बारी बारी इंटरप्ट करने की कोशिश करी, और आखिर जब वो फंस करके खड़े हो गए तो उन्होंने स्पीकर से रिक्वेस्ट कर ली कि इनको कंटिन्यू कल करवा लो, आज किसी तरह से हमारा पीछा छोड़। आज तो पीछा छुटा के गए, कल फिर मैं आते कंटिन्यू करूँगा। और कल फिर सरकार की एक एक इशू के ऊपर जो केवल और केवल गुमराह करने के लिए महामहिम के अभिभाषण में लिखे गए, उन पर चर्चा करूँगा और सरकार को इस मामले में 100% जवाब तलब करूँगा। इससे पहले सदन में जो आज राज्यपाल के अभिभाषण में सरकार के एक दो विधायकों की तरफ से जो जवाब आया था, उसको आप किस तरीके से देखते हैं? ढाई घंटे दो घंटे का करीब जवाब रहा दोनों विधायकों का, कैसे देखते हैं सर? ये लिख करके दे देते हैं, सब उनकी तो बुद्धि है ही नहीं। वहाँ जो उनकी भाषाएं हैं, जिस मर्यादा में वो बात करते हैं, बोलते हैं, उससे लगता नहीं कि इन विचारों को जो लिख करके दे दिया जाता है वो आकर के पढ़ना शुरू कर देते हैं। मैं उनकी बातों पे ज्यादा सा ध्यान नहीं देता। गलत ढंग से शुरुआत करेंगे और कोई टिप्पणी ऐसी करेंगे जो अनुकूल नहीं है, मर्यादा से बाहर है, तो उसको बोलने का किसी को भी कोशिश नहीं करनी चाहिए, और कोई कोशिश करेगा तो उसका जवाब भी दिया जाए।